कहा होगा मैं कैसे दुखी है। अरे भैया कल केला रह गई वो। कौन सी? सूखी सी। कहाँ पे? अरे वहाँ जहाँ दुकान वाली नहीं। कौन सी दुकान वाले पे जा तू? वहाँ तो लाग रो ने रोज केला छे। अच्छा फिर? उधर ही भीतर लकड़ी सी हूँ मैं सुसरी दियाई भाई को। केला के अंदर लकड़ी दे दी? अंदर थे ना ऐसी रही वो पकी ना रहे। अच्छा बिना पकी केला पकड़ा है। कच्ची सी हाँ। तने कुछ कही ना? तो फिर मैं उन्हें दिलाई ना ले ले दे दे केला। अच्छा दूसरे पत लाई हूँ आज। वहाँ पत क्यों लाई? ना मैंने लाई ले तू ना माने तो दूसरा चेंज कर दूँगा मैं। सही बात है जब एक इंसान ना माने दूसरे चेंज कर डालो। हाँ दूसरे पत ले आई मैं तो। वो तेरे केला मारे नू ना सही ठीक ठाक सब केला दे देते। हाँ। तो मम्मी एक मम्मी मतलब क्या ना मम्मी एक ही जगह से खरीदते हैं खरीदते हैं तो 4-5 किलो सेब लाई हुआ दिन में। वही दिन तो केला ला रही हूँ डेली आए दिन एक दर्जन ले आऊँ तो 6 तो डेली लाऊँ बालकन के मारे भी खराब है जहाँ वो तो रोटी कल ले जाइए मैं अब तो लंबी न हुए दूसरा हुआ पे तो लाई हूँ मैं बैठ रहे तो ऐसे जब किसी लगन लगा ना कि भाई अभी उन्हें छोड़ने वाला इंसान नहीं थे ले तो घनी ज्यादा फायदा उठा लगा पता लग जाएगी वहाँ रोज लेके जाइए आंटी अब लेके ना आऊंगी तो वही के अगर दूसरी रेडी है। यो आंख पे कहां लगा रखा तूने? कहां है भैया? कुछ ना लगा रहो जैसे कुछ लगा रखो यार। कुछ ना दूध लेके आई हूं खाली बस निकल जो जरा तो पहले। ओके तेरे के ये जो बातियां में ना ये पहले से डल रही मैंने तो बस जोत चलाई थोड़ी बहुत। गाइस जो साइलेंसर मैंने मंगाया था वो रिटर्न चला गया पता नहीं क्यों बट जो करियर वाला था वो देख ही नहीं गया उसको। अमेजोन पे मैंने देखा वो रिटर्न में चला गया। और यहाँ मेरी मम्मी ने चार तरफ भंडारा लगा रखा है। अच्छा और घर मकान की सफाई करनी मम्मी पे सारे काम यही है। उन्होंने कौन बताएगा बाहर बैठ के बहिंदान की गल चुगली अरे जा चुगली कहाँ करूँ मैं अब बतलाने तो चुगली है जा और क्या हो तुम जाओ कहीं तुम चुगली करो ना हम तो अपना प्रोफेशनल बात करा बिजनेस बिजनेस से रिलेट के तो हम कहा कर रहे थे इनका सुनो हमारा हैं अपने घर ते वो सुना सर चुगलाने तो हम जब करेंगे दिन भर लगे लगे सुबह से शाम हम ऐसे चला हो जाता है। ओके करेगा ना जब काम है तेरे पता लग जाएगी रेट बाहर आ जाएगी। कौन सा काम? जो घर को जो है काम तेरो कच्चा भैया को अरे दोनों में तो कोई भी पहले कोई दिक्कत ना ना एक नीचे उतर उतर के जावे वो आके हमारे वो अलग डाल दूं मैं आ रहा हूं वो पैरे को। हम दोनों भाई एक दूसरे कपड़े पहन लेते हो तो मम्मी कंफ्यूज रहती है। अरे बेटे पापा जी घने पतले हो गए अभी बताऊंगा नहीं सीक्रेट है कभी किसी टाइम पे जो लगेगा मुझे बताने लगे तो बताऊंगा है ना भाई। क्यों सीक्रेट है? पैर में लग गई थी पैर में लग गई थी पापा जी मतलब पूरा एक साल से ऐसे ही रहा तो हॉस्पिटल के आना जाना उस चीज में सेप्टिक हो गई थी चोवा लग गया था पैर में सब भीड़ी है पापा जी को पाँव में लग गया था चोहा तो उसकी वजह से सेप्टिक बन गया था और एक उंगली काटनी पड़ी डॉक्टर को तो उसी के चक्कर में पूरा एक साल सा पूरा एक साल सा हमारा हॉस्पिटल में रहा आना जाना और पापा जी को डायबिटीज तो उसकी वजह से जख्म को भरने में बहुत टाइम लग गया पूरा साल हॉस्पिटल में आने जाने में लग गया ठीक ठाक हमारा टाइम गया उसमें बस उस जख्म की थोड़ी वो टेंशन रही क्योंकि डायबिटीज़ वाले इंसान का जख्म भरने में बहुत टाइम लगता है और डायबिटीज़ की वजह से ही उंगली कटी डायबिटीज़ नहीं होती तो वो घाव भी बढ़ जाता इंजेक्शन भी लगवा लेता अपनी टेटनस का वो चोवे की वजह से एक पैर की ऐसी की तैसी होगी जबकि मैं शुरू से बोला था पापा जी आसपास के ये नॉर्मल क्लिनिक पे दिखा रहे थे मैं सीधा बोला था सीधा हॉस्पिटल ले जाओ बेटर रहेगा बट जो होना तो वो होगा बट अभी पैर ठीक है पहले से। देखो हमारी अलवारी हम तय लगाते हैं और ये लोग आते हैं ये खींचे और मर देते हैं
ये मम्मी झूठ बोल रही है, बदनाम कर रही है मेरे को। हम तो लगा लगा कर रखे तेल ने, पर देख लो इन जगह कहां तक लगा। मैं तो सोच रहा फिर रैंडम नहीं करते हो, देखो हमारी हलवाई सब लोग, ये दोनों भाई करते हैं ऐसे काम। एक और है ऐसे बड़ो कपड़े ना, तो ऐसे करो सुबह जैसे नहाए और लिखा रहे अलवारी में थे और ढूंढे फिर भर दिए। जय श्री राम कौन बोलेगा निकालने तो पहले। जय श्री राम। तुम सबको एक सीक्रेट बताऊं, मम्मी के पास एक गन भी है। मम्मी अपने टाइम के बदमाश है, छोटे बदमाश। पागल चौका का बोले ऐसा बोले करे का, हट। सच्चाई बता रहा हूँ लोगों को। एक दिन मम्मी ने अपने गांव पे कब्जा कर लियो। काम पे कैसे? दुनाली के दम पे। और का? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मी बहुत शरीफ इंसान है। ये मैं ऐसे मजाक मजाक में बोलता हूँ, कभी कोई सीरियसली ले लग जाए। बदमाश बदमाश। अभी मैं देख रहा था बिग बॉस, इस बंदे की स्टोरी थोड़ी जानी पहचानी से लग रही है। बिग बॉस में बेचारे की एक्स आ गई। अरे उसके ऐसे कितना ऐसे पड़ी है, बेचारा करे तो करे क्या। और इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है भाई, बहुत एक नंबर की झूठी, कितना भी देखने में मिला है बाकी पता नहीं है ना भाई। मैंने तो देखा ही नहीं है। हम पता कहा यू जो देखी थी, पीछे हो रहा ना जो यू या यू और या की जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो यहाँ में आ गई है ना। या की जो गर्लफ्रेंड है वहाँ ने ब्रेकअप कर दिया। ये बिग बॉस में आ गई ठीक है। और या मतलब या की फीलिंग्स है आपको, या की गर्लफ्रेंड को, या गर्लफ्रेंड की ना है, तो ये फुल या के माइंड सेट की गर्ल खेल रही है, मतलब उल्टी सीधी हरकत कर रही है, जो यार लगे अरे वो बड़ा करो पागल इनकी तरह। वहाँ बेचारों क्या होगा, हाँ चिल मारूंगा मोवन वोवन करूंगा, या कि ऐसे सीखते सीख कर दी। ऐसा कभी कभार कुछ लोगों के साथ हो जाता है।